Competition will start from 12 sharp. मेरा बैग में था, क्या है? 12 बजे। हम कैट लवर है तो लाइक हम इसमें मतलब दिखाना चाहते हैं लाइक जो वाइब्रेंट कलर यूज हुए ना, जो कैट का पर्सनैलिटीज डिफरेंट पर्सनैलिटीज को शो करते हैं लाइक रेड एंग्री कैट, ब्लू लेजी कैट, सैड कैट। हम पेंटिंग तो बचपन से कर रहे हैं, मतलब बच्चा से क्लास 4-5 मेरा एग्जैक्टली नहीं, हमारे स्टाइल पेंटर स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वाटर कलर पोर्ट्रेट। तो जलिया जलिया हम कुछ भी है and I'm from DNDC College. Okay. And currently I'm pursuing my BCom degree at 4th semester. Yasim, we can see your painting here, quite interesting, right? Yes. Can you explain us? So the title of my board, like painting, is overthinking. So I made this painting for an, I guess 7 hours something, whole night. And so this multicolor represents the like different thoughts that comes in a mind, okay, that controls our mind, that like, आते रहते हैं, कुछ सोचने नहीं देते। सो दैट ओनली डू यू एक्सपेरिमेंट, इज दिस योर स्टाइल और डू यू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल एज वेल? कुछ अलग अलग स्टाइल से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं? यस, लाइक माय मेन स्टाइल इज लाइक वाटर कलर एंड आई लव टू प्ले विद कलर एंड कंबाइन लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मेकिंग डिफरेंट कलर्स। सो यस, दिस इज माय स्टाइल। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Hi, hello, what's your name? My name is Obitali. Okay. And I'm BA at the end, fourth semester mein abhi. So, aaj wahi bolega ki Dukur Festival waha tha na, to sab artists, sirf DNGC ka hi bolke nahi, jitna bhi Capitec Communication, jitna bhi college hai, sabko yahan laane ke liye, kyunki ek platform dena chahta tha junior artists log ko, ki matlab apna jo talent hai, jo creativity hai, wo sabko show karne ke liye na. तो अगर यहाँ पर बोलेगा तो दिस वन दैट पोनू वन दैट इज़ माई आर्ट, येस। वो उसका मतलब मेन मोटिव हम यही बनाया था कि मतलब मेरा जो आदि का जो पोनू डांस है उसको दिखाने के लिए कि मतलब व्हाट इज़ द पोनू डांस, उसको क्यों मनाता है, सोलुंग हो या अतोर हो या उन्निंग हो, वो सब जगह पर। तो वही को ही लेके मैंने यहाँ पर बनाया, और भी है 3 आर्ट वर्क, एक वहाँ करते हैं। तो आपका बेसिकली आप क्या फॉर्म से आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं आर्ट में? क्रेयोन, वाटर, मिक्स मीडियम, मैं मिक्स मीडियम होता हूँ एंड माय मेन स्टाइल इज कार्टून एनिमेशन एंड आई एम रियली डीप इन टू डिजिटल आर्ट, तो कभी कभी ट्रेडिशनल आर्ट बना लेता है। तो वही आज बहुत सारा आर्टिस्ट आया था जो ऑलरेडी ये फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, तो उनका साथ इंटरेक्ट किया, तो आपको कैसा लगा?
एक्चुअली मतलब कभी भी एक्चुअली बोलेगा तो ये जो है एग्जीबिशन, ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन बोलेगा क्योंकि कभी नहीं हुआ है ना, तो आज नर्वस भी हुआ था कि कैसा होगा और ये, और फिर से टाइम भी नहीं था ना क्योंकि एग्ज़ाम भी है ये सब भी है, मगर भी कुछ टाइम निकाल के ड्राइंग बना दिया था। एंड अगर सीनियर्स लोग का बोलेगा, सीनियर्स लोग का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि अगर सीनियर्स लोग ही हम लोग को एनकरेज नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचता होगा। अगर आफा जो है फाइन आर्ट्स आरजीयू का आया है, अलग अलग जगह का आया है, तो और मेनली अगर बोलेगा तो आई एम फ्रॉम आर्ट्स क्लब एंड हम लोग का जो इंचार्ज था दुल्ली एते सर, वो था वही आर्ट्स क्लब को बनाए एंड वही है जो ये दिख रहे फेस्टिवल को मनाने वाला, बट नाउ वो अभी अलग कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया है। तो मेन तो दुल्ली एते सर को ही बोलेगा कि अगर वो नहीं होगा तो हम लोग भी ये एग्जीबिशन नहीं कर पाना था। एंड जो सीनियर्स है वो लोग भी हम यही बोलेगा कि जितना भी जूनियर्स आर्टिस्ट हो, जितना भी ऊपर के आने न्यू जनरेशन, हम सबको ऐसे ही इंकरेज करिए और सपोर्ट करिए आर्टिस्ट के लिए। ऐसे आर्ट जो आर्ट लवर है वो लोग ही नहीं, जो भी अरुणाचल में है सबको यही बोलना चाहता कि मतलब आर्ट का जो कहता ये है उसको मतलब इम्पोर्टेंस को आप सब लोग भी समझिए, क्योंकि बाहर में तो आर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है मगर अरुणाचल में क्या है कि थोड़ा ड्राइंग बनाएगा आदमी लोग क्या बनाए, कितना घटिया बनाए, ये सब ऐसे ही बनेगा। इवन वॉल ऑफ जब हारमोनी बनाया था तभी भी बहुत आदमी लोग कंप्लेन किया था कि ऐसे हुआ है, ऐसे है वैसे, मतलब उसका मीनिंग को ही नहीं जान के, क्योंकि उसका जब मीनिंग को जानेगा तभी पता चलेगा कि आर्टिस्ट क्या चीज़ बनाए होते हैं। तो इसलिए आर्ट को बनाने का पहले हमेशा आर्टिस्ट को जानना चाहिए कि क्या बनाए, तो यही सबको बोलना चाहिए। थैंक यू। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार डी क्रियो फेस्ट का सेकेंड एडिशन मेरे ही देख रेख में ये हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करूँगा क्योंकि इसके साथ मेरा कोई एसोसिएशन नहीं था। जिन लोगों ने फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया था वो कोई और ही थे वो लोग, तो मेरा इससे कोई नाता नहीं था। लेकिन इस बार बीइंग लिटरेरी कन्वेनर, लिटरेरी एक्टिविटीज़ के कन्वेनर होने के नाते मुझसे ये कहा गया कि ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करो, तो मैंने किया। तो आज उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि हमने जितने भी कॉलेजेस में इन्विटेशन भेजा है सारे कॉलेजों से पार्टिसिपेंट्स बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेनली हम लोगों ने दो प्रोग्राम को फोकस करके इसको ऑर्गेनाइज किया है, एक तो है पोइट्री और दूसरा है फाइन आर्ट्स का। तो अभी फर्स्ट सेशन आज फाइन आर्ट्स का कंप्लीट हुआ और अभी यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन और एग्जीबिशन कम सेल वो चल रहा है और हमारे सारे कॉलेज के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत माहौल हो गया है। अब थोड़ी ही देर में 2:30 बजे से हमारा पोइट्री सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के साथ कोलाबरेट करके हमने ये वाला प्रोग्राम अब करने जा रहे हैं। पहला वाला प्रोग्राम हमने कोलाबरेट किया अरुणाचल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ, जिससे वहाँ के प्रेसिडेंट साहब आए, उनके फैकल्टी मेम्बर्स आए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और फाइन आर्ट्स को लेकर किस तरह के करियर बन सकता है, स्कोप क्या है, उस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। अब देखते हैं कि आने वाला दूसरा प्रोग्राम है वो कैसा जाएगा, मैं उसके लिए भी बहुत होपफुली कि वो अच्छा ही हो ये उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ये जो फेस्टिवल जो नाम है बहुत इंटरेस्टिंग है, डिक्रियो, तो इसका जो लिटरल मीनिंग क्या है? डिक्रियो का मतलब होता है द क्रिएटिविटी, क्योंकि ये फाइन आर्ट्स है या पोइट्री है ये सब, इसका संबंध जो है वो क्रिएटिविटी से ही है। और तो इसके माध्यम से हम लोग एक प्रकार से क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि हमारे जीवन की सुंदरता जो है हमारी क्रिएटिविटी पर ही टिका हुआ है। अगर हम क्रिएटिव नहीं होते तो ये दुनिया सुंदर नहीं होती, ये समाज सुंदर नहीं होता और हम सुंदर नहीं होते। तो ये जो क्रिएटिव दुनिया है इसका अलग ही एक सुंदरता है, तो हम उसी सुंदरता को सेलिब्रेट कर रहे हैं।